कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल है क्रिप्टो मार्केट के? क्या सिचुएशन है? अगर हम बिटकॉइन की जहाँ तक बात करते हैं, 29,800 पे ही आज बना हुआ है और कोई भी ज़्यादा चेंज अभी तक बिटकॉइन की प्राइस में नहीं आया है ना। लेकिन बिटकॉइन जिस तरह से चल रहा है, जुलाई के अब एंड पे आ चुके हैं हम, और FOMC मीटिंग भी आने वाली है 26 जुलाई को, ठीक है? तो यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। और हम इस कैंडल की अगर बात कर लें, बिटकॉइन की, ये जो कैंडल है 3 डे की जो कैंडल है, ये हमको क्लोजिंग देने वाली है परसों, है ना, 23 जुलाई की मॉर्निंग को। और ये हमको कहाँ क्लोजिंग देती है, इस कैंडल को देखना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले हमको मिल जाएगी इसके ठीक अगले दिन जो है, यानी परसों के बाद मंडे को क्या हो जाएगा, वीकली क्लोजिंग हो जाएगी। और थोड़ा अगर हम वीकली चार्ट को भी समझें, तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अब जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आएगा, मे बी बिटकॉइन फिर से हमको 30,000 पे क्लोजिंग दे दे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन की क्लोजिंग का, ठीक है? वीकेंड्स का टाइम है और वीकेंड पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो देखते हैं ये वीकेंड कैसा जाता है और कहाँ क्लोजिंग देता है बिटकॉइन। अभी 29,800 डॉलर पे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। और डॉज कॉइन में मोमेंटम धीरे धीरे आ रहा है। अगर आप देखोगे आज फिर हमने अभी जो है डॉज कॉइन में एक यहाँ पे मोमेंटम देखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो ये धीरे धीरे एक मोमेंटम आ रहा है, ये कहीं ना कहीं डॉज कॉइन में अच्छी रैली लेके आ सकता है। और काफ़ी टाइम से, चाहे शिबा इनू की बात करें चाहे डॉज कॉइन की बात करें, अगर आप मंथली चार्ट पे चलेंगे तो ये मंथली कैंडल कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के लिए स्टेज सेट कर सकती है इस मंथ की। और जल्दी ही शिबा इनू के साथ साथ डॉज कॉइन में भी एक बड़ा जंप हम देख पाएंगे, ठीक है? तो तैयार रहिए, थोड़ा डॉज कॉइन पर भी नज़र बना के रखिएगा। तो बिल्कुल जैसा हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था डॉज कॉइन के बारे में और स्पेशली इलॉन मस्क के ट्वीट के बारे में, और ठीक डिस्कस करने के बाद ट्वीट भी आ गया इलॉन मस्क का, और काफ़ी टाइम हो गया इलॉन मस्क का ट्वीट नहीं आ रहा था, तो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन ज़रूर दिया कि अब और भी ट्वीट, ठीक है, धीरे धीरे आ सकते हैं डॉज कॉइन को लेके इलॉन मस्क के, ठीक है? अगर कोई एक बड़ा ट्वीट आ गया तो एक अच्छा खासा जंप भी लगता हुआ दिख सकता है डॉज कॉइन में। और यही एक रीज़न है आप देख रहे हो डॉज कॉइन में मोमेंटम, जब से ट्वीट आया अभी जो रिसेंटली, उसके बाद लगातार बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनेडा की, और कैनेडा में कुछ ऐसा हो रहा है जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा किसी ने भी। कैनेडियंस आर हैविंग क्रिप्टो स्टॉलन फ्रॉम देयर होम्स। तो कैनेडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी क्रिप्टो उनके घर से ही चोरी हो रही है, और ये बहुत बड़ी अपडेट है ना। अथॉरिटीज़ बिलीव देयर मे बी ए कनेक्शन बिटवीन सेवरल रॉबरीज दैट हैव अकर्ड इन कैनेडा इन्वॉल्विंग थीव्स सर्चिंग फॉर प्राइवेट कीज लिंक टू क्रिप्टो फंड्स। तो क्या हो रहा है, प्राइवेट कीज़, जो मैंने आपको बताया कि जो कीज़ होती हैं, जो आपके क्रिप्टो जहाँ रखे हुए हैं उसको खोलने का एक तरह से चाबी है ये की, और इसी को ढूंढा जा रहा है। और क्या हो रहा है, सेवरल रोबरीज हुई हैं, ठीक है? एक रोबरी भी नहीं, सेवरल रोबरीज, और ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के अंदर क्रिप्टो स्टोल हो रही हैं घर से ही और इस तरह से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो का कहीं ना कहीं गलत यूज़ हो रहा है, और ये गलत यूज़ हो रहा है आईएस अलाइज यूज्ड क्रिप्टो टू रेज मिलियंस। तो एक तरह से टेररिज्म के लिए जो है यहाँ पे क्रिप्टो का यूज़ हो रहा है, जो टेररिस्ट फंडिंग होती है उसके लिए यहाँ पे क्रिप्टो का यूज़ हो रहा है, ये एक तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। एंड टेररिस्ट ग्रुप वर्ल्ड वाइड एसोसिएटेड विद टेररिस्ट ग्रुप ISIS रूटीनली यूज़ क्रिप्टो फॉर फंड रेजिंग, है ना? तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, चाहे क्रिप्टो की बात कर लें, तो चाहे हम वॉल स्ट्रीट की बात कर लें, वॉल स्ट्रीट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 82 पे चल रहा है, यानी एक्सट्रीम ग्रीड हमको देखने को मिल रहा है। कहाँ पे?
वॉल स्ट्रीट की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो मतलब मामला जो है अभी एक्सट्रीम ग्रेड के ऊपर आ चुका है वॉल स्ट्रीट की ये सिचुएशन है। और अगर हम क्रिप्टो की जहाँ तक बात करते हैं तो बिटकॉइन के 29,800 $700 लगाने से यहाँ पे मामला चेंज हो गया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का। और क्रिप्टो की जहाँ तक बात करें, बिटकॉइन का जो अभी मीटर चल रहा है वो न्यूट्रल पे है, ना तो हम फियर में हैं ना ही हम ग्रीड में हैं, हम बीच में आके अटक गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से बिटकॉइन जिस भी तरफ जाएगा मीटर भी आपको उसी तरफ जाता हुआ दिखने वाला है। तो हमने बात की थी मॉर्निंग में MKR की, मेकर डाओ की। A16Z ने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी डिपॉजिट की थी, लेकिन इनकी बात करें तो 1500 MKR यानी $1.7 मिलियन के हैं ये, और करोड़ों के जो MKR हैं वो गए हैं कॉइन बेस पे अगेन 1 आवर एगो, एंड अनदर वेल अनस्टेक 4,210 MKR, और ये हैं $4.8 मिलियन के। तो एक वेल ने यहाँ पे 1500 MKR तो भेजे कॉइन बेस पे, दूसरी वेल ने अनस्टेक कर लिए 4,200 MKR, और ये गए हैं डिपॉजिट ऑल MKR टू बाइनेंस। तो सारी खेप कहाँ जा रही है, बाइनेंस पे जा रही है। एंड द वेल एक्यूमुलेटेड 4,210 MKR फ्रॉम बाइनेंस एट अ प्राइस ऑफ $758। तो अभी जो है MKR की जो वैल्यू चल रही है वो 1100-1200 डॉलर तक का, यहाँ पे अभी रिसेंटली हाई लगाया है और अभी 1140 के राउंड चल रही है वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा MKR पे नज़र रखें, वेल्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम कर रही हैं MKR को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड की। ए वेल रिलेटेड टू द कंपाउंड टीम डिपॉजिट 20,000 कंपाउंड, जिनकी वैल्यू अगर हम देखें तो $1.5 मिलियन की है टू कॉइन बेस 2 आवर एगो, एंड द वेल करंटली हैज़ 4,02,400 कंपाउंड $29 मिलियन के। तो एक वेल है जो कंपाउंड टीम से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, डिपॉजिट किए हैं 20,000 कंपाउंड कॉइन बेस के ऊपर जिनकी वैल्यू $1.5 मिलियन की। और कंपाउंड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ये डबल हुआ है। ठीक है, 70-80 डॉलर की रेंज में ये आज की डेट में ही बना हुआ है, 73-74 डॉलर पे, और मे भी जल्दी आपको 80, 90 या 100 डॉलर भी क्रॉस करता हुआ कंपाउंड दिख जाए। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल में शिबा इनू का माइलस्टोन, आपको पता है न्यू माइलस्टोन एज शिबेरियम क्रॉसेस 31 मिलियन ट्रांजेक्शन, है ना। और जल्दी शिबेरियम लॉन्च होने वाला है अगले महीने, और उससे पहले मिलियंस में ट्रांजेक्शन भी हो गए हैं शिबेरियम के ऊपर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है शिबा इनू के लिए भी। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं बैंड। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।